मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक अजय देवगन की फिल्म भुज के बारे में, और आपको बताएंगे भुज फिल्म ने अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ रुपए की कमाई की और क्या यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने में कामयाब हुई या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भुज फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए से ज्यादा था। वही फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और शरद किलकर लीड रोल में दिखाई दिए थे। लेकिन इस फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और अजय देवगन के फैंस को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया। और इतना अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से माना जा रहा था फिल्म का पहले दिन का ओटीटी कलेक्शन काफी जबरदस्त रहेगा, और ऐसा ही हुआ क्योंकि फिल्म ने अपने पहले दिन 26 करोड़ 91 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। इसी के साथ फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन भी काफी जबरदस्त रहा और फिल्म ने अपने दूसरे दिन 29 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए। लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिल्म का कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ा और फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32 करोड़ 53 लाख रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन अगर फिल्म के चौथे दिन के और पांचवे दिन के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म के चौथे दिन मंडे होने की वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने चौथे दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ देगी और फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अजय देवगन की फिल्म भुज ने अपने चौथे दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 17 करोड़ 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ अगर फिल्म के आज के ओटीटी कलेक्शन की बात करें, तो रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की फिल्म भुज अपने पांचवे दिन यानी 14 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे फिल्म का 5 दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 120 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाएगा। और जल्द ही उम्मीद है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। लेकिन अगर इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होना है, तो कम से कम 200 करोड़ रुपए के आसपास कमाई करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजय देवगन की फिल्म भुज लाइफ टाइम 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो पाएगी या नहीं? और आप इस फिल्म को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वर्ल्ड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।